हे मधुसूदन, अब जब ये जान लेने के बाद कि अर्जुन मेरा अनुज है, मैं उसकी ओर उसके प्राण लेने वाले वाण तो नहीं भेज सकता ना, फिर भी मैं युद्ध करूंगा, अर्जुन से युद्ध करूंगा। आप तो ये अच्छी तरह जानते थे ना कि मैं दुर्योधन की मित्रता को कभी नहीं त्यागूंगा, फिर भी आपने मुझसे मेरे जन्म का रहस्य बताकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा कर ली। हे केशव, यदि आपने ऐसा ना किया होता तो अच्छा होता। तो अब आप मुझे एक वचन दीजिए कि मेरे वीरगति को प्राप्त होने तक आप मेरे अनुजों को यह नहीं बताएंगे। यदि युधिष्ठिर को पता चल गया कि मैं उसका ज्येष्ठ भ्राता हूं तो वो अपने सिर पर मुकुट रखना कभी स्वीकार नहीं करेगा, और राजा बनने योग्य तो मेरा अनुज युधिष्ठिर ही है। यदि उसने मुझे यह मुकुट दे दिया तो मैं अंग देश के मुकुट का ऋण उतारने के लिए अपने मित्र दुर्योधन के सिर पर यह मुकुट रख दूंगा, और यह उस मुकुट से बड़ा अन्याय होगा, बड़ा अन्याय। हे मधुसूदन, अब हमारी भेंट रणभूमि में ही होगी।